मम्मी आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? नहीं बिट्टू, आज तुम्हारी मम्मी का व्रत है। तुम्हारा व्रत है? काय का व्रत? डैडी वही व्रत जो मम्मी जी ने आपके लिए रखा है, करवा चौथ का व्रत। ओ नानी माँ, करवा चौथ किसे कहते हैं? बेटा इस दिन औरतें पूरा दिन उपवास रखती हैं। वो किस लिए? अपने पति की लंबी आयु के लिए और अगले 7 जन्म की गारंटी के लिए। ए, कोई 7 जन्म नहीं, मैं तो सिर्फ 1 जन्म के लिए रखती हूँ। क्यों? अरे भाई मुझे भी अगले जन्म में चेंज चाहिए। हे भगवान, हिंदुस्तानी नारी कितनी तेजी से बदल रही है। वैसे डैडी जी, मम्मी मजाक कर रही थी, है ना मम्मी? नहीं नहीं, आई एम सीरियस। वैसे तू बता, तेरा पति तो तुझे छोड़ के दूसरी के साथ चला गया, फिर तू क्यों उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है? उसकी लंबी आयु के लिए। अरे बेटा, उसकी लंबी आयु से तेरा क्या फायदा होगा? फायदा है ना मम्मी जी। अब सोचो, कल को अगर मेरा और उसका तलाक हो गया तो जितने साल वो जिएगा उन सारे सालों में मुझे मेरी मेंटेनेंस तो मिलती रहेगी। तो बिल्कुल मेरी बेटी है। हेलो, ये रंभा तो फोन के पास ही बैठी है। क्या करूं? रिंकू, कहाँ हो तुम? निकल रहा हूं मैं। हाँ रिटू, बोलो। सुनो, शाम को जरा घर पर चक्कर लगाना। क्यों? कोई खास वजह डार्लिंग? ओह डार्लिंग वालिंग मत कहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी रंभा सुन ले और करवा चौथ के दिन तुम्हारी धुलाई हो जाए। करवा चौथ? हाँ करवा चौथ, और शाम तक मैं अनशन पर हूँ। अरे वाह। सुनो, जब तक तुम नहीं आओगे और अपने हाथों से खाना नहीं खिलाओगे, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। हाँ। ओ, अब इतना प्यार करती हो मुझसे? जी नहीं, प्यार व्यार नहीं है, रिवाज है। और सुना तुमने, जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी और पानी भी नहीं पीऊंगी, समझे? ओके डार्लिंग। डार्लिंग? हाँ। ये डार्लिंग कौन है? डार्लिंग, डार्लिंग मिस्टर, मिस्टर डार्लिंग, और हाइट, आई कम टू लंदन नेक्स्ट वीक और आई कॉल यू, बाय बाय मिस्टर डार्लिंग, बाय मिस्टर डार्लिंग। ये डार्लिंग किसे कह रहे थे? वो लंदन के हमारे एक्सपोर्टर हैं, मिस्टर डार्लिंग, उनका फोन था मिस्टर डार्लिंग का। और मैं समझी कि तुम्हारी पहली बीवी का फोन है। ओ रिंकू, तुम है ना, मैं अपनी बीवी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे बार बार उसी की याद दिलाती हो। अच्छा ठीक है ठीक है, अब नाराज होने का नाटक मत करो, जल्दी ऑफिस जाओ, शाम को जल्दी वापस आना। क्यों, शाम को कोई खास प्रोग्राम है क्या? आज मेरा करवा चौथ है। क्या? हाँ डार्लिंग, आज मेरे करवा चौथ का व्रत है और आज मैं पूरे दिन भूखी रहने वाली हूँ, और शाम तक जब तक तुम मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाओगे मैं कुछ नहीं खाने वाली। रोहन, लगता है ये करवा चौथ तेरे लिए कड़वा चौथ साबित होगा। करवा चौथ? अरे यार चुप करना, यहाँ मैं टेंशन में हूँ, पीजे मार रहा है यार, मजाक उड़ा रहा है मेरा। लेकिन अच्छा मजाक था ना? अरे बाबा मजाक नहीं उड़ाऊ तो और क्या करूँ? तो खुद ही सोच, तू अपनी 2 बीवियों में से कौन सी वाली को पहले अपने हाथ से खाना खिलाएगा? यार समझ नहीं आता भगवान ने करवा चौथ बनाया ही क्यों। अरे तेरे जैसे मर्दों के लिए, ताकि तेरे जैसे मर्द अपने किए पर कुछ और पछताए। यार जरा सोच टुटुन। क्या सोच? इस करवा चौथ में कोई तो लूपहोल होगा यार, मतलब ऐसा नहीं हो सकता जिससे मैं किसी एक बीवी से बच सकूं। है। क्या क्या क्या? अगर तेरी कोई एक बीवी वक्त से पहले अपना व्रत तोड़ दे, मतलब जाने अनजाने में वो खाना खा ले, तो उसे खाना खिलाने का तेरा कंपल्शन खत्म। अरे ग्रेट। लेकिन कैसे हो सकता है यार? मुझे क्या पता, बीवियां तेरी है। अच्छा तू सोच ना, मेरी तो एक ही बीवी है, मैं क्यों सोचूं? लेकिन मेरा भी तो एक ही दोस्त है, सोच यार। अरे नहीं यार, तू अपनी मुसीबत मेरे गले मत डाल। तुझे अपनी दोस्त की कसम, सोच। पानी चाहिए? नहीं। मम्मी। ये देखो टूटू अंकल आया है। आओ टूटू। आ गया भाभी, ये लीजिए भाभी। ये क्या है? बेटा ये प्रसाद है। ये तो सामने वाला हलवाई की बर्फी है। ओफो बिट्टू, भगवान के सामने से जो मिठाई उठाकर लाई जाती है उसे प्रसाद कहते हैं। अच्छा तो फिर ऊपर वाले घट्टू का नाम प्रसाद होना चाहिए। क्यों?
एक बार बेटे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मुझे कहाँ से लाए, तो पापा ने उससे कहा कि बेटा हम तुम्हें भगवान के सामने से उठा कर लाए, राइट? अरे भगवान बिट्टू। बेटे तुम्हें कहीं जाना वाना नहीं है? मुझे क्रिकेट खेलने जाना, बाय बाय। जाओ ना बे, बाय बाय। आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं ना भाभी। हाँ स्मार्ट तो होना ही है, क्योंकि आजकल के बच्चों के बाप इतने स्मार्ट हो गए हैं। नहीं नहीं, मम्मिया मम्मिया ज्यादा स्मार्ट हो गई है इसीलिए तो। अरे टूटू कैसे हो बेटा? वैसा ही हूँ जी, हमेशा जैसे था। नमस्कार नमस्कार, ये मुनमुन ने भेजा है प्रसाद है। अयो मम्मा क्या हुआ? क्या किया आपने माँ, आज करवा चौथ है। क्या हुआ, बासी है क्या? बासी नहीं है, आज करवा चौथ है और आज के दिन हमें कुछ नहीं खाना होता। अरे भाभी भगवान का प्रसाद खाने में क्या एतराज है, आप भी खाइए। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना बाबा। अरे खाइए। अरे मुझे नहीं खाना। अच्छा अब खाइए। पीछे 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 चलो, पीछे चलो, पीछे से खाइए। नहीं चलो 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 चलो, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। भगवान क्या हुआ? कम्बक टुटुन ने मेरा व्रत तोड़वा दिया। चलो अच्छा हुआ। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए तो करवा चौथ का व्रत रखा था। ये तो और भी अच्छा हुआ। और भी अच्छा? हाँ हाँ, अब किसी भी वक्त तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, यू नो। आज व्रत है ना तो कोई काम भी नहीं है, बस इसीलिए। या या अच्छा कहिए। नहीं नहीं कहिए नहीं, खाइए खाइए, आप ये लड्डू खाइए। लड्डू? हाँ। किसकी शादी के हैं? नहीं शादी के नहीं है, मुनमुन ने खास तुम्हारे लिए बनाए। स्वीट। या खास मेरे लिए मतलब? मतलब ये कि मुनमुन खास मंत्र का जाप करके लड्डू बनाती है। इनकी खास बात ये है कि जो भी औरत ये लड्डू खाती है वो फौरन मां बन जाती है। सच्ची? सच्ची। क्या हुआ? तुम्हारा मतलब जो औरत शादीशुदा ना हो वो भी? नहीं नहीं, सिर्फ शादीशुदा औरत ही। अब देखो मेरी एक कजिन, हाँ। शादी के 10 साल बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं था, हाँ। तो जैसे ही मुनमुन का ये खास लड्डू खाया, 1 साल के अंदर उसके घर में झूला झूलने लगा। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ। क्या हुआ? 1 साल में झूला झूलने लग गया? हाँ। एक बच्चे का क्या हुआ, बच्चा हुआ कि नहीं? अरे यार तुम लड्डू खाओ ना यार, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? परेशान क्यों हो रहे हो, खा रही हो ना? खाओ। खा रही हूँ खा रही हूँ। अब क्या हुआ? रिंकू ये क्या हो रहा है, लड्डू खा रही? क्या आज करवा चौथ नहीं है क्या? हाँ, पर फिर तुमने लड्डू क्यों भेजे? मैंने भेजे? हाँ ठीक, कह रहा था कि तुमने खास लड्डू मेरे लिए भेजे हैं। ये लो, मुझे तो लड्डू बनाना ही नहीं आता। टुटुन टुटुन, आई होप टुटुन अपने मिशन में कामयाब हो जाए। टुटुन सर। या एनी डिक्टेशन? हाँ प्लीज राइट टू मिस्टर अमीर चंदानी। डियर सर, अबाउट योर इंक्वायरी फॉर 3,000 पेयर्स ऑफ लेदर शूज, आई एम हैप्पी टू नोट दैट तुमने इतनी छोटी स्कर्ट पहनी है। आई एम हैप्पी टू नोट कि तुमने इतनी छोटी स्कर्ट पहनी है। सर, मिस्टर अमीर चंदानी स्कर्ट पहनते हैं? मुझे क्या पता वो क्या पहनता है। ये मैंने तुमसे कहा, मिस्टर अमीर चंदानी से नहीं। सर बट दिस इज द लेटेस्ट फैशन। लेट इट बी, लेकिन इसे मिटाओ मिटाओ इसे। आफ्टर दिस लेटर आई एम श्योर दैट वी विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। रियली सर? अरे ये मैंने मिस्टर मीर चंदानी से कहा, तुमसे नहीं। इसे लिखो और इसे उतारो। क्या मतलब, ऐसी छोटी स्कर्ट्स मेरे सामने पहन के मत आना। ओके अब जाओ यहां से, प्लीज गो, जाओ। हाय सर। हाय। बाय सर। बाय। तो तुम गर्दन अकड़ जाएगी। अकड़ गई। इधर आ इधर आ इधर आ, मुझे बता एनी प्रोग्रेस? हाँ हाय और बाय तक बात पहुंच गई। अरे यार मैं इस प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, रितु और रिंकू की प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ।
हाँ वो दोनों बड़ी प्रोग्रेसिव औरतें हैं, दोनों ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। क्या? हाँ अगले साल भी वो करवा चौथ का व्रत रखेंगी, तेरी उम्र को खींच खींच के 100 साल तक लंबा करेंगी और तेरी छाती पर मूंग दलेंगी। तो मैं क्या करूँ यार? अरे मुझे क्या पता यार, तेरी बीवी है, तू कुछ सोच, शाम को क्या करेगा? क्या सोचूं? किसी एक के पास गया तो दूसरी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। हाँ वो तो है, लेकिन सॉरी मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता दोस्त। एक मिनट याद, जरा खिड़की खोलना। ओके तू नहीं लेकिन तेरा हेलमेट मेरी मदद कर सकता है। मेरा हेलमेट? यस। तीखी मिर्ची खा गया भैया। तो चुपचाप बैठ, मैं बताता हूँ। दरअसल भाभी हुआ यूं कि हम दोनों इनोसेंटली अपनी बाइक पर जा रहे थे तो अचानक सामने से एक बहुत सुंदर सी लड़की पास कर गई। What? अरे पूरी बात तो कह लेने दे। तो सुंदर लड़की को देखने के लिए मैंने अपनी मुंडी घुमाई, साथ में मेरे बाइक का हैंडल भी घूम गया, ये तो बेचारा पीछे बैठा बैठा इनोसेंटली गिर गया। आ कह रहे रोहन तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी डार्लिंग? नहीं नहीं अभी चेहरे पे काफी जगह बाकी है पट्टियां लगाने के लिए। मेहमानों के आने तक तुम ठीक हो जाओगे ना? मेहमान? इतना चिल्लाते क्यों? मैंने मेहमान कहा, टेरेस नहीं। टेरेस तो ये लग रहा है शक्ल से। वैसे कौन मेहमान आने वाले हैं? बस मेरे कुछ फ्रेंड्स, मैके वाले। मैके वाले? और उन्होंने फोन करके बता दो कि आने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट? यार मतलब ये हुलिया लेके मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा डार्लिंग? क्या प्रॉब्लम है, अपने ओरिजिनल होली से तो अच्छे लग रहे हो। चुप कर यार। देखो मैं मेहमानों के सामने इस हुले में नहीं आऊंगा, मैं अपने बेडरूम में ही बैठा रहूंगा बस। तो वो तुमसे मिलने बेडरूम में आ जाएंगे? तो मैं चादर ओढ़ लूंगा। तो तुम उन्हें हाय हेलो नहीं करोगे, हाल नहीं पूछोगे? तो फिर डार्लिंग मैं ना नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट निकाल के उनसे बात करूंगा, हाँ या फिर मिस वर्ल्ड विनर की तरह चेहरा दोनों हाथों से छुपा लूंगा और कहूंगा। अरे अगर चेहरा ही छुपाना है तो मेरा हेलमेट ले लो ना। हेलमेट? हाँ देखो इससे चेहरा भी छुप जाएगा और ये लोगों से हाय हेलो भी कर सकता है। अच्छा पता नहीं कौन आ गया, तुम लोग जल्दी बेडरूम में जाओ। चले, चले, चले इस बात का फैसला तो जाए, हेलमेट पहनाना है कि नहीं पहनाना है। और कुछ नहीं करो, जाओ। बाल बाल बच गए। चल कपड़े उतार। क्यों? क्या तू मेरे कपड़े पहनेगा, मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगा। जब तक मैं रीटू का करवा चौथ पूरा करके नहीं आता तुम रोहन बनके यहाँ रहोगे, समझे? ओके ओके चलो। अरे लेकिन मुनमुन के करवा चौथ का क्या होगा? अरे डोंट वरी यार, मैं यू गया और यू आया। ओके अब ये ले, ये पट्टियां भी बांध। ये भी लगा ले, ये लगा ले, ये हेलमेट पहन ले। चल एक काम कर, चादर ओढ़ ले। चादर क्यों? अरे क्यों क्या यार, तेरी हाइट मेरी हाइट से कम है, एक्सीडेंट की वजह से किसी की हाइट कम नहीं होती, समझे? ओढ़ ले। ओके सो जा, उठ जा। अगर खिड़की तो खोल। देख अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मोबाइल पे फोन करना। ओके चल। कौन है? मैं हूँ। तू बोलना यार। कोई प्रॉब्लम आने मत देना, ठीक है, लेकिन तुम पट्टियां ठीक से बांध देना। राइट चल बाय। अरे तुमने तो वाकई में हेलमेट पहन लिया। बहुत दर्द हो रहा है रोहन। दर्द हो रहा है या गुदगुदी? लेट मी चेक। ओह मेरा फोन बज रहा है, मैं अभी आती हूँ। हाँ तीखी मिर्ची खा गया पास। अरे क्यों उस निर्दयी के लिए भूखी रह रही हो? तोड़ दो ये व्रत, वो मक्कार नहीं आने वाला तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाने। प्लीज मम्मी ऐसा मत बोलिए, मैं मेरे रोहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पूरे 8 साल बिताए मैंने उसके साथ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक भी करवा चौथ मिस किया हो। हाँ मैंने कहा था। चलो चलो फटाफट खाना खा लो, मुझे फौरन एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना। अगर आज आप नहीं आते ना
नानी माँ मम्मी का सारा खाना खा रहे हैं। चुप, भाग यहाँ से। चलो चलो नानी माँ, नाना जी आपको वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अरे चलती हो, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, उसका व्रत तो पूरा करो अपने हाथों से खाना खिला के। पहले आप जाएंगी तब ना। चल चलो मैं फटाफट सब तैयार करती हूँ, छत पे जाएंगे, चांद देखेंगे, तू मुझे पानी पिलाना, उससे हम खाना खाएंगे। ओके। वो एक तो ना ये फोन भी, पता किसका फोन है? तुम्हारी भूतनी का। हेलो। तुझे हमेशा लगता था ना कि रोहन तुझसे ज्यादा प्यार करता है। आज साबित हो ही गया ना कि वो किससे ज्यादा प्यार करता है। बाय द वे ये तो साबित हो ही गया है क्योंकि रोहन मेरे पास है। हाँ। क्यों इस तरह चुड़ैलों की तरह हंस रही है तू? क्योंकि इस वक्त रोहन मेरे पास है। ओहो, अब तो लगता है मुझे तुमसे ज्यादा जोर से हंसना पड़ेगा। बेवकूफ कहीं की, समझती है कि तुम उसके पास हो। रोहन। हाय। तुम हमेशा सबसे पहले आती हो। स्वीट ऑफ यू। आज तुम कहाँ है? मतलब रोहन आ गया ऑफिस से? हाँ, अंदर बेडरूम में है। उससे जरा पूछो ना कि टुटन क्यों नहीं आया अभी तक। तो वही हो, पूछो ना। चलो रोहन मरवाएगा यार, बाहर मुनमुन आ गई है, चल दिया चल दिया। रोहन, मुनमुन आई है तुमसे मिलने। लेकिन ये हेलमेट पहन के क्यों सोया है? तुम्हारी टुटन की वजह से हुआ है। वो कैसे? बाइक से गिरा दिया मेरे रोहन को। दर्द हो रहा है रोहन? रोहन मैं ज्यादा देखो तो ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस चेहरे पर खरोच पर हो जाई है। और तुम तो जानती हो ना कि रोहन अपनी पर्सनालिटी को लेकर कितना कॉन्शियस है, बस इसीलिए इसने टुटन का हेलमेट पहन लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है रोहन, तुम आराम कर दो, ज्यादा बुखार तो नहीं है ना? चल रोहन, मेहमान आने वाले हैं, तुम भी बाहर आ जाओ, समझे? इस रोहन की वजह से मेरा करवा चौथ कड़वा चौथ हो जाएगा। हेलो। हाँ? तुम बार बार पीछे क्यों देख रही हो? रिंकू, आर यू श्योर वो तुम्हारा पति है? तो और किसका पति है? मुझे लगता है कि वो मेरा पति है। इसका मतलब मैं रोहन की तीसरी बीवी हूँ? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि वो रोहन नहीं टुटुन है। सिर्फ हेलमेट टुटुन का है, मुनमुन। नो 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 नो, मुझे लग रहा है कि हेलमेट के पीछे टुटुन ही है। यस। रोहन हेलमेट उतारो। हेलमेट उतारो रोहन। हेलमेट चुपचाप उतारो टुटुन। अरे तुम लोग क्या कर रही हो यार? तुम्हारी खिंचातानी में मेरे खरोच दुगने हो गए। देखो, I'm so sorry। पता नहीं क्यों इसे लगा था कि तुम टुटन हो। और तुमने सच मान लिया? इसका मतलब है तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है। ओके दादी, कोई बात नहीं, चलो तुम जल्दी से खाना लगा लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा और तुम्हारा व्रत पूरा करूंगा। चलो। लेकिन मुनमुन, तुम्हारा व्रत पूरा करने के लिए टुटन कब आएगा? अभी आएगा, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। हाँ क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? फ्रेश होने? बाहर भी तो बाथरूम है। बाहर की जाएगी? अरे रिंकू, अरे दरवाजा क्यों नहीं खुला? वो बारिश की वजह से खुल गया। तो चलो बाहर चलते हैं। हाँ जाओ बाहर जाओ। एक मिनट, मैं जरा टुटुन को बुला लेती हूँ। हाँ टुटुन, टुटुन यहाँ कहाँ है? यही तो है ना? यही है। ये रहा टुटुन। ये टुटुन?